बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली अब हम मेटा एस्टिमेटर्स के एक और टॉपिक पढ़े, दैट इज थ्रेशहोल्डर्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि थ्रेशहोल्डर्स क्या होते हैं, और इस वीडियो का जो कोड है ये मैं सारा प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक एक लाइन हमने पढ़ी हुई है, तो बस इसमें सिर्फ आपको अभी एक यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस करानी है, दैट इज sklego.meta इम्पोर्ट थ्रेश होल्डर। हम इसको लेगो से थ्रेश होल्डर्स को इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब वही हमने क्या किया जो प्रीवियस वीडियो में किया था, सैंपल डेटा यहाँ पे जनरेट कर दिया, ठीक हो गया। और हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, m1 और m2, ठीक है। इसमें मैंने थ्रेश होल्डर लिख लिया, ठीक है। थ्रेश होल्डर की ब्रैकेट में मैंने क्या किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन दिया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन भी, और साथ में लिखा है सॉल्वर LBFGS। सॉल्वर्स में और भी बहुत सारे न्यूटन हैं, और भी हैं। LBFGS जो है ये बेसिकली छोटे डेटा के लिए अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस है, और इसका कुछ नुकसान भी है, कन्वर्ज भी नहीं होता समटाइम्स। लेकिन ये है कि बस बाय डिफॉल्ट भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यही वाला आता है। तो खैर, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अगर ये आप ना भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी लगाएं तो ठीक है। एक तरफ मैंने थ्रेशोल्ड दे दिया 0.9, और दूसरी तरफ मैंने थ्रेशोल्ड दे दिया, यहाँ पे मैंने सॉरी 0.1 दिए, और फिर मैंने दिए 0.9, ठीक हो गया। अब यहाँ पे थ्रेशोल्डर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको एक चीज जरा सी समझानी है, आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ पर देखें आप, अब मेरे पास ये जो ये वाली यहाँ पे ये जो ये एरिया है, ये येलो डेटा का और ये पर्पल डेटा का, सपोज हम कहते हैं दो क्लासे हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पकड़ाते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने क्या किया, हम कहते हैं सपोज उसने यहाँ पर एक लाइन लगा, ठीक है। उसने कहा इस लाइन से जो भी ऊपर है उसको मैं येलो मानता हूँ, और जो इस लाइन से नीचे उसको मैं पर्पल मानता हूँ, ठीक हो गया। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए, हमने सपोज सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन से लाइन लगवा लिए, लेकिन अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो खुद तो लाइन लगा लेता है ना, लेकिन अब हम भी ये लाइन को चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को मेटा एस्टिमेटर के मुताबिक ये बात की थी कि मेटा एस्टिमेटर क्या होता है, जब एक मरतबा मॉडल लग जाए, मतलब मॉडल तैयार हो गया, उसके बाद आप उसमें पोस्ट प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये मेटा एस्टिमेटर का कॉन्सेप्ट था, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अब एल्गोरिथम ने लाइन लगा दिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एल्गोरिथम की लाइन को अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूँ। तो सपोज मैं कहता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ, ये लाइन जो है सपोज करते 0.5 पे थी, ठीक है। यानी 0.5 से ऊपर जो गया ये येलो क्लास, से नीचे जो आया वो पर्पल क्लास। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं जरा इसकी लाइन को ऊपर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ 0.7 हो गया, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ये भी नहीं पसंद, मैं ऐसा करता हूँ नीचे थोड़ी लगा दूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे ये लाइन 0.3 पे चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्गोरिथम ने जो थ्रेशोल्डर की लाइन लगा दी थ्रेशोल्ड के लिए, मैं अब उसके लगाने के बाद अपनी बाद में अपनी मर्जी से उसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब हम वापस जरा कोड पे जाते हैं, मैं इसको इरेज कर लूँ। गुड। अब आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें, यहाँ पर आप देखें ये कोड, बल्कि यहाँ पे पहले देखें, मैंने कहा थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्डर के फंक्शन में मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन दिया उसे, उसे कहा सॉल्वर LBFGS लगाओ, और थ्रेशोल्ड रखो 0.1, ठीक है, और फिर फिट कर दो। फिर मैंने थ्रेशोल्डर दिया, उसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन दी, और कहा थ्रेशोल्ड रखो 0.9 और फिर फिट कर दो। अब ये वही सब प्लॉटिंग हो रही है, ये भी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे देखें मैं फर्क क्या है, पहले वाले को मैंने ओरिजिनल कलर किस बेस पे किया, ओरिजिनल की बेस पे, सी इज इक्वल टू वाई, यानी क्या करो कलर करो ओरिजिनल वाई पे, यानी जो ओरिजिनल डेटा है उसका लाइक बेस पे कलर करके उसे प्लॉट कर दो, ये वाई मीन्स ये हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने कलर किस बेस पे किया है, m1.predictx, m1.predictx, m1 क्या था मेरे पास, पहला मॉडल। मैं कहता हूँ जो पहले मॉडल का रिजल्ट प्रिडिक्टेड, मतलब जो भी फिट होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रिडिक्टेड रिजल्ट को प्लॉट कर दो, कलर कर दो। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो m2 का रिजल्ट आया उसको कलर कर दो, ये सी वगैरह ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, इसलिए प्रीवियस वीडियोज देखना लाजमी है।
अब यहाँ पर हमारे पास दो मॉडल, एक था 0.1, एक था 0.9। अब हम तीनों में फर्क देखते हैं कि ओरिजिनल क्या था, 0.1 से क्या हुआ है, 0.2 से क्या हुआ है। ये देखें जी, ये था ओरिजिनल, ये मैं लाइन लगाने के लिए, हाँ ये था ओरिजिनल डेटा, ठीक है मेरे पास। अब मैंने कहा नहीं, मुझे थ्रेशोल्ड 0.1 चाहिए, बहुत नीचे। तो क्या हुआ, अच्छा होता कि ये लाइन कहीं यहाँ पर लगाता, अब मैं इसको क्या नीचे ले गया हूँ, नीचे ले आया हूँ इधर, तो ये कहाँ, यहाँ पर आ गई है, मैंने इसको 0.1 पे ले आया हूँ, ठीक हो गया। अब देखें, और यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, ऊपर ले जाओ 0.9, यहाँ पे मैं ले आया हूँ उसे। बात समझ आ रही है? तो ये जो मैंने आपको कहा था कि मेटा एस्टिमेटर या मेटा मॉडल, तो मेटा मॉडल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली पूरा मॉडल इनपुट करते हैं और पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं डेटा पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो यहाँ पे मेटा मॉडल्स क्या करते हैं, पूरा एक मॉडल एज एन इनपुट लेते हैं, ठीक हो गया ना, बात समझ आई आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज अ मॉडल इनपुट लिया यहाँ पर, और फिर उसने उस पे बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग हमने कर ली है। तो इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ आपको ये बात समझानी है। देखें, मैंने अब यहाँ पे मॉडल पे क्या लिखा है, मॉडल में मैंने लिखा है थ्रेशोल्डर, ठीक हो गया, क्या लिखा है, थ्रेशोल्डर। अब यहाँ पर मैंने आपको जो एक बात समझाई थी कि मॉडल का जो वर्ड है ये प्रस्पेक्टिव टू प्रस्पेक्टिव चेंज होता है, इसकी जो डेफिनेशन है ये वेरी करती है कि आपका प्रस्पेक्टिव क्या है इस वक्त। तो यहाँ पर मेरा मॉडल आप समझिए, ये जो थ्रेशोल्डर फंक्शन, ये पूरा मेरा मॉडल हो गया। अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट से मैंने 0.1 दे दिया। एक और मैंने यहाँ पे छोटी सी चेंज की है, मैंने यहाँ पर काम किया एनपी डॉट लाइन स्पेस, पहले मैं यहाँ पे वो रेंज वाला फंक्शन लगा रहा था, अब मैंने लाइन स्पेस लगा दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 0.1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 0.9 आपका एंडिंग पॉइंट है, और इसके दरमियान आपने क्या करना है, 50 पॉइंट्स लेने, ताकि मुझे पता चले ना, क्योंकि आप ऊपर देखें 0.1 पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, 0.9 पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं। अब इनके दरमियान में 50 पॉइंट्स पे चेक करना चाहता हूँ कि भाई मुझे पता चले कि कहाँ पर मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखें, मैं ये कहूँगा 0.9 से, 0.1 से 0.9 तक 50 पॉइंट्स दे दूंगा, और वो उसकी बेस पे बताएगा। ये मैक्स स्कोर वगैरह सब हमने किया हुआ है। तो अब मैं आगे बस सिंपल जाता हूँ, हमने वही काम किया, प्रिडिक्ट किया और इसको डेटा फ्रेम में सेव कर दिया। हाँ, सिर्फ प्लॉटिंग के लिए मैंने इस दफ़ा काम थोड़ा डिफरेंट कर दिया, पहले मैं इसको लूप के थ्रू करवा रहा था, मैंने इसको अलग 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 कर दिया, सिंपल इज दैट, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा इस पे फोकस करें। देखिए, मैंने आप लोगों को प्रिसीजन रिकॉल पढ़ाते वक्त एक चीज बताई थी कि जिस वक्त हमारी, अब देखिए ऑरेंज वाला क्या है, रिकॉल है, ब्लू वाला क्या है, प्रिसीजन है, कि मैंने कहा था जिस वक्त हमारी प्रिसीजन ज्यादा होती है उस वक्त हमारा, सॉरी, जिस वक्त हमारा, यहाँ पे मैंने क्या गलती की है मुझे बताएं, जिस वक्त हमारा रिकॉल, और टेलीग्राम पे जिस वक्त हमारा रिकॉल ज्यादा होता है उस वक्त हमारी प्रिसीजन जो है वो कम होती है, और जिस वक्त हमारी प्रिसीजन अच्छी होती है उस वक्त हमारा रिकॉल खराब आता है। ये जो मैंने आपको बात पहले बताई थी कि जिस, ये हमारे लाइक ये इसी तरह चलता है कि जब प्रिसीजन अच्छी हो रही हो तो रिकॉल खराब आ जाता है। तो अब हमने देखे, मैंने आपको कहा था ना, आपने एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करना, आपकी ग्रीन लाइन को देखें, यहाँ से लेके मतलब तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई ज्यादा कोई खास बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा, ये सही रह रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट का देखूँ, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, रिकॉल और प्रिसीजन को देखें फर्क कितना आ रहा है, तो हमने क्या करना होता है, बेस्ट पॉइंट ढूंढना होता है हमेशा, के बेस्ट पॉइंट हमें पता चले। ये जिसमें अभी हमने थ्रेशोल्डर्स लगाए, हम देख रहे हैं कि कौन सी जगह पे हमारा थ्रेशोल्डर बेस्ट आएगा, कि वहां पे हमारी प्रिसीजन भी अच्छी हो, रिकॉल भी अच्छी हो, हमने वो पॉइंट ढूंढना होता है। तो पहले हमने एक फंक्शन भी बनाया था मिनिमम रिकॉल प्रिसीजन का, ठीक है, तो
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पर हमने क्या करना है, ये पॉइंट ढूंढना होता है हमेशा डेटा में जब भी हम इससे क्या होगा, आपका एल्गोरिथम बेहतर हो जाएगा, मतलब आपका एल्गोरिथम ज्यादा रिलायबल होगा, रिजल्ट्स कम देगा, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव इस तरह के जो अलार्म्स है वो नहीं आएंगे आपके सिस्टम पे, तो ये बड़ा जरूरी होता है। तो ठीक है, हमने ये टॉपिक मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है, और इसका फायदा ये, शोल्डर के टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, और इसका फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि लाइक हमें जो मेटा मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बहुत क्लियरली आ गया कि मॉडल तो आ गया, अब मॉडल में थ्रेशोल्ड अपनी मर्जी से लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेशोल्डर जो है बड़ा इजी टॉपिक है, और ये समझना बड़ी जरूरी है क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी काफी अचीव होती है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।